एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल प्रीति स्पेशल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मिंत्रा से और बहुत सारे ड्रेसेस लेकर आई हूँ। मेरे पास अभी 11 ड्रेसेस हैं, जिसमें से एक मैंने आजियो से लिया है और इनमें ड्रेसेस के साथ दो कुर्तियाँ भी हैं। तो ये सारे ही मैंने मिंत्रा के एंड ऑफ सीजन सेल से परचेस किया था। सभी मेरे पास धीरे धीरे डिलीवर्ड हो रहे थे, तो फाइनली मेरे पास पूरे ही आ चुके हैं। तो मैंने फटाफट से ये वीडियो आप लोगों के लिए आज लेकर आया है। परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस प्राइस में मैंने परचेस किया है वो आपको नीचे स्क्रीन पर मैंशन हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो आज मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप मेरा वीडियो पहले देख सके। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखानी है, इस वीडियो में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फर्स्ट ड्रेस जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये क्रेप टाइप का जो मटेरियल होता है ना, उसका ये पूरा ये फैब्रिक का ये वन पीस है। इस टाइप का इसका राउंड नेक है। बैक में आपको ये की होल वाला डिज़ाइन मिल जाएगा, जो कि ओपन होता है, स्लीवलेस है। इसके अंदर स्लीव प्रोवाइड नहीं की गई है। ये ए लाइन वाला वन पीस है। देखिए, ये नी से थोड़ा ही ऊपर आएगा और मे बी मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो ये नी से शायद नीचे ही जाए, क्योंकि मेरी हाइट 5'2" है एंड मैं एक्सेल और एल वेयर करती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आप परचेस करते हैं तो साइज़ देख लीजिएगा। और इसमें आपको बीच में कमर की तरफ इस तरीके से डोरी मिल जाएगी, जिससे आप टाइट और ढीला एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा ये फ्रंट दिख रहा है उसी तरीके से बैक है, मेहरून कलर का है। ये देखिए क्रैप है, ये पूरा फैल जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें जो आप पहनते हैं उससे एक साइज़ छोटा ही लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है, तो उस हिसाब से काफ़ी लूज़ लग रहा है पहनने के बाद। मैं एक्सेल पहनती हूँ और एल पहनती हूँ, तो मैंने एल परचेज़ किया, उसमें भी मुझे थोड़ा लूज़ सा लग रहा है। बट क्वालिटी वैरायटी अच्छी है। चाहे तो जीन्स पहनिए, या अगर आप कंफर्टेबल हैं तो विदाउट जीन्स के केवल ड्रेस पहन लीजिए, स्नीकर्स डाल लीजिए, जूते ले लीजिए, बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का जो ड्रेस है कैरी करने में। ये है ब्रांड टोक्यो टॉकीज़ की तरफ से। प्राइस सबका आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। जॉर्जेट मटेरियल का ही है, काफ़ी सुंदर सा है, वन पीस वाला ड्रेस है ए लाइन का, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ड्रेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। पाउडर ब्लू कलर का ये आपको वन पीस मिल जाएगा, वन पीस नहीं, ये ए लाइन ड्रेस मिल जाएगा। देखिए, यहाँ आपको कुछ अंगरेखा पैटर्न टाइप का आपको मिलेगा डिज़ाइन, बट ये पूरा ही यहाँ से होल है। तो यहाँ पर आपको बीच में एक बटन मिल जाएगा, हुक लगा हुआ है, वी नेक का डिज़ाइन है यहाँ पर। यह है ब्रांड मस्ट एंड हैबर की तरफ से। ये भी जॉर्जेट मटेरियल ही है, नहीं सॉरी, ये क्रेप मटेरियल का है। इसकी स्लीव ना कुछ इस तरीके की है, देखिए ये 3/4 स्लीव टाइप की, और एंडिंग में कुछ इस तरीके का इलास्टिक करके यहाँ पर हल्का सा फ्लेयर दिया गया है। प्रिंटिंग क्लॉथ है, ये पूरा सेल्फ प्रिंटिंग है, धोने के बाद रिमूव नहीं होगा। मे बी ये लाइट कलर है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, बट मैंने अभी वेयर नहीं किया है तो इसका कुछ मुझे पता नहीं है। सामने जिस तरीके से आपको प्रिंटिंग मिल रही है, पीछे भी उसी तरीके की प्रिंटिंग मिलेगी, और नीचे हाफ बॉडी के बाद ये इस तरीके से जो प्लीटेड वाला पैटर्न होता है उस तरीके से ये पूरा नीचे आपको मिल जाएगा, प्लीटेड वाला। जैसा फ्रंट है उसी तरीके से पूरा बैक भी है। तो इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह, कलर, सब कुछ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लुक वाइज बहुत सुंदर है, वेयर करने में मे भी ये बहुत ही अच्छा लगे, तो इस टाइप का आप परचेस कर सकते हैं। इसमें शायद ये सिंगल कलर ही था, बट ये यही कलर मुझे बहुत प्रिटी लगा था, तो आप इसके साथ भी ज़रूर जा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक बटन भी दिया हुआ है, बट ये ओनली शो के पर्पस से, इसका कोई खास यूज़ है नहीं, तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। ये भी नी के नीचे ही जाएगी, काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्रिटी ड्रेस है ये भी, आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले ड्रेस की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक पिच कलर का कॉटन का ड्रेस मिल जाएगा। देखिए, ये पूरा फ्लावर प्रिंटिंग का आपको ड्रेस मिलेगा। ये सेल्फ प्रिंटिंग है तो ये रिमूव नहीं होगा, प्योर कॉटन है ये। और सामने की तरफ आपको यहाँ पर बटन मिल जाएंगे, बटन की डिटेलिंग मिल जाएगी, जो कि 3 बटन है और तीनों ही ओपन होते हैं। और इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके की है, देखिए फ्रंट में यहाँ पर और बैक में टक्स टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, जिसके कारण फिटिंग में भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हाफ स्लीव है और यहाँ पर फोल्डेड टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। जैसा आपको फ्रंट दिख रहा है उसी तरीके का ये पूरा बैक मिल जाएगा आपको। और ये जो
सामने मैं बटन की बात कर रही थी, ये बटन पूरा ऊपर से नीचे की तरफ दिया गया है, ओनली थ्री नहीं ये पूरा ही ओपन हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, कॉटन मटेरियल भी, और नीचे की तरफ आपको ये कटिंग मिल जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा ड्रेस है, प्योर कॉटन है, इसकी वजह से काफ़ी कम्फर्टेबल हो जाएगा ये, और ये भी नी के नीचे ही है, और ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसका कलर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैंने साइज़ लिया है एक्सेल, और ये है ब्रांड हियर एंड नाउ की तरफ से। इससे जो पहले मैंने पाउडर ब्लू कलर का ड्रेस दिखाया था वो आई थिंक मैंने एल साइज़ का परचेज़ किया था। तो ये रहा अपना अगला ड्रेस जिसके साथ भी आप ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि कॉटन मटेरियल है, काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है, हर सीज़न में पहन सकते हैं। और जो सारे ही ड्रेस दिखाऊंगी एकदम मतलब समर के अकॉर्डिंग कहिए या फिर वेकेशन घूमने जा रहे हैं, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, गोवा वगैरह जाने का प्लान है, तो डेफ़िनेटली इनमें से आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिजनेबल चीज़ें मुझे रिसीव हुई है, तो यदि आप कुछ भी पसंद करते हैं उसका प्राइस कुछ ज़्यादा है तो आप उसे विशलिस्ट में सेव कर सकते हैं, बाद में कुछ सेल आए या फिर आपको कुछ कम प्राइस में ये मिल जाए तो उसे आप परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले ड्रेस की तरफ। ये देखिए डीप ग्रीन कलर का ये एक और ड्रेस है, हाफ स्लीव है इसकी, सामने ये आपको मिल जाएगा वी डिज़ाइन में, और यहाँ पर आपको इसमें हुक लगा हुआ मिल जाएगा, इसलिए कि क्योंकि ये पूरा नॉट वाला ड्रेस है तो आप इसे रैप करके पहन सकते हैं, मतलब आप पहले पहने उसके बाद हुक लगा के डोरी से बांध के इसे आप एडजस्ट करिए, तब ये ड्रेस तैयार होती है। तो इस तरीके का ड्रेस मैंने पहली बार परचेस किया, ऐसा कुछ मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं पहना है, तो पता नहीं है पहनने के बाद कैसा लगेगा। वी नेक में है ये, और ये है ब्रांड हियर एंड नाउ की तरफ से, इसमें मैंने परचेस किया है एल साइज़ में भी ये मुझे आ जाए। तो देखिए ये पूरी ही इस तरीके से ये ओपन होती है, एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता कि इसे कैसे पहनना चाहिए, मुझे कोई आइडिया है नहीं, देखते हैं ट्राई करके कि ये कैसा होता है। मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेयॉन मिक्स टाइप का मटेरियल है, पहनने के बाद कम्फर्टेबल होगा, इसके नीचे आपको कुछ ना कुछ वेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये बांधने के बाद भी नीचे की तरफ इस तरीके से ये पूरा ही ओपन होगा, तो देखते हैं कैसा लगता है ये पहनने के बाद। जैसा प्रिंटिंग आपको सामने मिल रहा है पीछे भी पूरी उसी तरीके की प्रिंटिंग मिल जाएगी, धोने वगैरह कोई टेंशन नहीं है, प्रिंटिंग रिमूव नहीं होने वाली है, क्वालिटी अच्छी है, दिखने में मे भी ये बहुत अच्छा लगे पहनने के बाद, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर परचेस करिएगा क्योंकि ये काफ़ी अलग सा लग रहा था मुझे, मतलब उसके पिक्चर में, तो इस वजह से मैंने इसे परचेस किया था, मुझे आइडिया नहीं था कि कुछ ये इस टाइप का रिसीव होगा, बट ओके ट्राई करते हैं ये कैसा दिखता है पहनने के बाद, यदि आपको ये समझ में आए और अच्छा लगे तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले ड्रेस की तरफ। इस तरीके की ये क्रेप पैटर्न की ये मेहरून कलर की ड्रेस है, ये ऑफ शोल्डर वाली ड्रेस है, देखिए इसमें इस तरीके से स्लीव आती है, मैंने इस टाइप का भी कभी इससे पहले परचेस नहीं किया और ट्राई भी नहीं किया है। ये है ब्रांड सासाफर्स की तरफ से, इसमें मैंने लिया है लार्ज, तो देखिए इस तरीके की ये पॉली क्रेप टाइप की ये मटेरियल लग रही है मुझे, क्योंकि ये कॉटन और रेयन है नहीं, क्रेप टाइप का पॉलिस्टर टाइप का मटेरियल है, और इस तरीके का आपको नीचे ऐसा क्रेप वाला डिज़ाइन मिल जाएगा, देखिए जिससे पहले भी आपको दिखा चुकी इसमें, तो ये नीचे आपका कमर के पास ये क्रेप वाला डिज़ाइन आएगा, तो ये भी हाइलो टाइप की पैटर्न की ये ड्रेस है, देखिए नीचे की तरफ ये पीछे लंबा है हल्का सा, और सामने की तरफ आपको ये उठा हुआ मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, यदि आपको कैमरे में दिख रहा हो तो सामने जैसा दिख रहा है सेम उसी तरीके से आपको ये बैक भी मिल जाएगा, ऑफ शोल्डर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, आगे पीछे सब तरीके से बराबर ही है, और इसमें एक बहुत अच्छी बात है इसकी क्वालिटी वगैरह सभी अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इसमें दो तीन कलर मे बी और थे और प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत सही है, तो इसे आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी अच्छी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बीच में आपको वियर करने के लिए बेल्ट दिया हुआ है इस तरीके का, ये मैं ओपन करती हूँ, ये चमड़े का बेल्ट है, लेदर का बेल्ट है, देखिए इस तरीके का आपको काफ़ी पतला सा ब्राउन कलर का बेल्ट दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका मटेरियल, इतनी जल्दी शायद ख़राब ना हो, तो ये इस तरीके का आपको बेल्ट भी मिल जाएगा इस ड्रेस के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है, अपन को अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, देन आप इसके साथ जा सकते हैं यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले ड्रेस की तरफ। अगेन ये है ब्रांड सासाफर्स की तरफ से, इसमें मैंने एक्सेल लिया है, ये प्योर रेयॉन वाला फैब्रिक है, रेयॉन मतलब जो एक बनियान कपड़ा बोलते हैं ना, उसमें ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी हो रहा है ये कपड़ा, देखिए येलो कलर का है, सेल्फ प्रिंटिंग है, धोने के बाद प्रिंटिंग वगैरह नहीं जाएगी इसकी, सामने वी नेक वाला डिज़ाइन दिया है, हाफ स्लीव है इसकी, और ये इस तरीके से यहाँ पर एक और ड्रेस में दिखाया था उसमें भी इसी तरीके का ये यहाँ पर ये
पूरा अंदर चले जाता है, मतलब ये ओपन है वहाँ से। हाफ बॉडी वाली ड्रेस है ये भी, नी के ऊपर आने वाली ड्रेस है। जैसा सामने दिख रहा है पूरा प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। फ़ोटो में बहुत अच्छा लग रहा था, बट रियल में जिस तरीके का रिसीव हुआ है ना बनियान कपड़े के कारण, थोड़ा मुझे उतना खास नहीं लगा ये। बट देखने में अच्छा लग रहा है। नीचे की तरफ आपको इस तरीके से चुन्नट चुन्नट वाला पूरा ये घेर मिल जाएगा। ट्राई करते हैं ये कैसा लगता है पहनने के बाद। आपको जो भी अच्छा लग रहा हो अभी तक मैंने जो भी दिखाया है और जो दिखाऊंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। और कुछ हेल्पफुल लगता है ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए मेरे इस वीडियो से और मेरी मेहनत रंग लाए। तो नेक्स्ट अपना एक और ड्रेस आपको दिखा दूँ। कुछ भी डाउट हो या मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा है तो मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। देन नेक्स्ट मैं आपको दो कुर्ती दिखाऊंगी। देखिए इस टाइप का ये एक पिच कलर का कुर्ती है, प्लेन ये पूरा कुर्ती मिलेगा आपको ऊपर से नीचे सेम कलर का। एंड इसका स्लीव का डिज़ाइन देखो आप, डिफरेंट कलर का इसका स्लीव है, 3/4 स्लीव है। देखिए ये इसमें प्रिंटिंग किया हुआ है, बट इतने जल्दी ये प्रिंटिंग रिमूव नहीं होगी, हल्के हाथों से वॉश करिएगा। और 3/4 स्लीव में ये सामने की तरफ आपको देखिए राउंड नेक में थोड़ा सा कट वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। और ये यहाँ पर सामने जो यहाँ पर हल्की हल्की सी ना प्लीट वाली डिज़ाइन दी गई है, जो कि हाफ बॉडी तक ही है, बाकी नीचे की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी लॉन्ग कुर्ती है, साइड स्लिट है, और ये है प्योर रेयन और कॉटन मिक्स टाइप का है। ये प्योर कॉटन भी नहीं है और प्योर रेयन भी नहीं है। और इसके गले में भी देखिए इस तरीके से पाइपिंग दी हुई है, जो अपने आस्तीन के मटेरियल का। और सामने यहाँ पर आपको बटन की डिज़ाइन मिल जाएगी, जो कि कोई भी ओपन नहीं होती है। तो ये कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब कलर वाइज लुक वाइज थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, इस वजह से मैंने इसे परचेस किया। ये है ब्रांड हियर एंड नाउ की तरफ से। इसमें मैंने मीडियम साइज़ परचेस किया है, क्योंकि इसमें एल और एक्सेल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मीडियम परचेस किया है। यदि ये मुझ में फिट नहीं होगी तो इसका ट्राई ऑन मैं नहीं कर पाऊंगी। ये डेफिनेटली लाइट कलर होने की वजह से सी थ्रू ज़रूर होगा, तो इसके अंदर आपको इनर वगैरह पहनना पड़ेगा। कुर्ती भी बहुत अच्छी है वैसे, इसकी क्वालिटी फैब्रिक मटेरियल सभी बहुत अच्छी है, और जिस ब्रांड की ये कुर्ती है उसके कपड़े काफ़ी अच्छे। इस कुर्ती के साथ आप जा सकते हैं यदि आपको ये पसंद आ रही हो तो, और आप इनर वगैरह कैरी करने में कम्फर्टेबल रहते हो तो इस टाइप की कुर्तियाँ आप परचेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली कुर्ती की तरफ। देखिए ये आपको प्योर कॉटन मटेरियल की ये कुर्ती मिल जाएगी आपको। ये है ब्रांड हियर एंड नाउ की तरफ से। इसमें मैंने एस परचेस किया है, क्योंकि इसमें भी साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो इसका भी मैं एक्सचेंज पे ज़रूर डालूंगी, तो इसका भी ट्राई ऑन आपको नहीं दे पाऊंगी। प्योर कॉटन का ये है, काई कलर, डीप ग्रीन कलर का ये आपको कुर्ती मिलेगा। पाइपिंग मिल जाएगी आपको ये पिंक कलर से। 3/4 स्लीव है, इसकी स्लीव वगैरह के नीचे कोई पाइपिंग नहीं है। ये जो प्रिंटिंग दिख रही है इसमें, हल्के हाथों से वॉश करिएगा तो इतनी जल्दी नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्रिंटिंग है। तो इस तरीके की आपको कुर्ती मिलेगी। बहुत अच्छी कुर्ती की बात ये है, क्योंकि आपको पीछे की तरफ इसमें दो टक्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। प्योर कॉटन मटेरियल है, लेंथ काफ़ी सही है, स्ट्रेट कट कुर्ता है। जैसा फ्रंट है उसी तरीके से बैक दिया हुआ है। प्रिंटिंग का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें पिंक कलर से डिज़ाइनिंग की गई है, तो ये पिंक लेगीज वगैरह, रेड लेगीज के साथ, वाइट लेगीज के साथ, किसी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके साथ आप ज़रूर जा सकते हैं, क्योंकि ये प्योर कॉटन है, तो ये समर या कहीं भी आप पहन सकते हैं, कॉलेज, ऑफिस, या जैसा भी आपको अच्छा लगे इस टाइप का वियर कर सकते हैं। कॉटन रेयन जो है हर सीज़न में कम्फर्टेबल होता है, तो उस वजह से ये कुर्ती बहुत सही है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। मैं इसका रिप्लेस ज़रूर करूँगी इसकी, अगर साइज़ मुझे मिल जाए तो। बढ़ते हैं अगले ड्रेस की तरफ। ये ड्रेस दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, इतना सारा ब्राइट कलर, इतनी अच्छी अच्छी प्रिंटिंग से ना इस ड्रेस को मैंने परचेस किया है। ये देखिए इस तरीके की बहुत सारे ब्राइट कलर में, बहुत सारी कलर वाली ड्रेस है, मतलब वो पिक्चर में, इमेज में इतना प्यारा लग रहा था, तो जिस वजह से मैंने परचेस किया है। इसमें मैंने लिया है एल साइज़, ये है ब्रांड दिबाको की तरफ से। ये ब्रांड का मैंने पहली बार कुछ परचेस किया है। देखिए इसकी स्लीव कुछ इस तरीके की है, शॉर्ट स्लीव टाइप का पैटर्न है, बट इसमें ना फिटिंग वगैरह नहीं है, इस तरीके से लूज लूज वाला है इसका डिज़ाइन आएगा इस पहनने के बाद। तो जैसा आपको फ्रंट मिल रहा है उसी तरीके का ये पूरा प्रिंटिंग अपन को बैक में हो रखा है। बीच में आपको इस तरीके से ना नॉट मिल जाएगा फिटिंग के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और बीच में आपको ऐसे बांधने के लिए नॉट मिल जाएगा, जिसकी वजह से फिटिंग काफ़ी अच्छी आने वाली है। और इसमें नीचे की तरफ देखिए आपको सब बॉर्डर टाइप का डिज़ाइन मिलेगा, तो मे बी ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगे, क्योंकि इमेज में काफ़ी सुंदर सा लग रहा था, फ्रेंड सा अलग सा लगा मुझे, जिसकी वजह से मैंने परचेस किया है। प्योर कॉटन है ये,
तो गर्मी वगैरह नहीं लगेगी। सी थ्रू नहीं है बट पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। देखते हैं पहनने के बाद ये कैसा दिखता है। तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं मिंत्रा की लास्ट ड्रेस की तरफ, ये आपको मैं दिखाऊं। इसकी भी प्रिंटिंग वगैरह मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। कुछ अलग टाइप की प्रिंटिंग, इस टाइप की प्रिंटिंग मैंने कभी टॉप्स में, कुर्तीज़ में मैंने कभी वेयर नहीं किया है, तो इस टाइप का मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे परचेज़ किया। देखिए इस तरीके की ये लॉइन प्रिंटिंग वाली जो बोलते हैं ना, उसमें आपको ये फ्लावर की प्रिंटिंग भी मिल जाएगी साथ में अटैच। हाफ बॉडी वाली ड्रेस है ये। इसका जो कपड़ा है ना, कुछ लाइक्रा टाइप का कह सकते हैं, कुछ काफ़ी कंफर्टेबल, हल्का से स्ट्रेच भी हो रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल टाइप का मटेरियल है। पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके की टॉप की फैब्रिक होती है, तो मैं अभी मेंशन नहीं कर पा रही हूँ कि एग्जैक्ट कौन सी फैब्रिक है ये। ये है ब्रांड OXOLLOXO, पता नहीं इसे क्या पढ़ेंगे। इसमें मैंने लिया है L साइज़, बट ये लग रहा है कि काफ़ी बड़ा होने वाला है। V नेक इसका सामने देख सकते हैं आप, और ना नेक के पास देखिए यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी मतलब धागा से जो काम हुआ रहता है उस तरीके का आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाएगा नेक में। देखिए इस तरीके की हाफ बॉडी वाली ड्रेस है, चुन्नट आपको यहाँ पर कमर के पास मिलेगा। देखिए इस तरीके की अपनी पूरी ड्रेस होती है, जैसा फ्रंट में प्रिंटिंग है सेम आपको पीछे पूरा प्रिंटिंग बैक की तरफ मिल जाएगा। और नीचे की तरफ ना इसमें अलग से इस तरीके का फ्लेयर अटैच है, अगर आपको दिखे यहाँ पर से, तो देखिए इस तरीके से आपको नीचे में पूरा फ्लेयर बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इस तरीके से क्लॉथ लगा के उसमें भी चुन्नट किया गया, मतलब ये लेयर वाली ड्रेस बोल सकते हैं। लेट्स सी ये पहनने के बाद कैसा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये ड्रेस। तो देखिए इस तरीके का ये राउंड नेक में आपको पीछे की तरफ ऐसा की होल वाला नेक मिल जाएगा, जो कि ये ओपन होता है। ये पूरा ऊपर जैसे क्रेप टाइप का रहता है ना आजकल साड़ियों वगैरह में आया है, उस टाइप का ये है। थोड़ा शाइनिंग टाइप का मटेरियल है बट कंफर्टेबल है ये। हाफ स्लीव है, स्लीव में भी सेम वही क्लॉथ यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और नीचे की तरफ ये जो प्लीटेड वाला जो डिज़ाइन है आजकल वो पूरा इसमें दिया हुआ है, तो जैसा आपको फ्रंट मिल रहा है जिस तरीके का, उसी तरीके का ये पूरा सेम बैक है। पीछे नीचे ऊपर सब कुछ सेम है इसमें। इसमें मैंने L साइज़ परचेज़ किया क्योंकि इसका एक्सेल मुझे लूज़ हो रहा था। ये भी नी के नीचे तक आने वाला ड्रेस है, बीच में आपको इस तरीके से नॉट के लिए मिल जाएगा जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फिटिंग। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने के बाद, मैं भी बहुत सुंदर लगे क्योंकि मैंने अभी तक इसे लेने के बाद ट्राई बिल्कुल नहीं किया है, बट ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी कम्फर्टेबल है, सी थ्रू बिल्कुल नहीं है क्योंकि डार्क कलर है। पहनने में काफ़ी कम्फर्टेबल होगा, कोई चुभेगा वगैरह नहीं। इवन जितने भी मैंने दिखाया सभी पहनने में कम्फर्टेबल होने वाले हैं। तो आपको यदि कोई भी पसंद आ रहा है ना, तो गारंटी बता रही हूँ आँख मूंद करके ले सकते हैं। हो सकता है साइज़ का कुछ इशू हो क्योंकि, तो आप साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा देख के परचेस करिएगा। और हॉल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।